अनु को तो मैं परिणीता के पहले से जानती हूँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने विनोद चोपड़ा फिल्म्स के साथ 3 फिल्में की हैं और जब भी मैं इनके साथ बैठती हूँ तो हम हंसते बहुत हैं। तो इस बार स्मृति जो शो की प्रोड्यूसर है, उन्होंने हमें वॉर्न किया था कि हंसी ज़रा कम कीजिए, एडिट करने में दिक्कत होती है, पर ना एक बहुत ज़्यादा कम्फर्ट लेवल है। पर मज़ेदार बात अनु के शो की यही है कि वो अटरम शटरम सवाल नहीं करती, वो ऐसे सवाल करती है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। और हमने बहुत सारी दिलचस्प बातें की आज, ऑफ़ कोर्स बॉबी जासूस को लेकर बातें हुई, पर जनरली मेरे बहुत सारी अफवाहें जो उड़ी हैं मेरे बारे में हाल ही में, उस सब को लेकर भी बातें हुई, लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में, खासकर अभिनेत्रियों को लेकर जो लोगों की सोच है, उस सब के बारे में। पर उसके लिए आपको शो देखनी पड़ेगी। ये इंडिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में हैं और जो विद्या करती हैं, मैं इनकी हर पिक्चर देखना चाहती हूँ, चाहे मुझे पता हो कि वो पिक्चर क्या है या नहीं है, या अगर मुझे प्रोमो पसंद है या नहीं भी पसंद, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि इन्होंने किया क्या है। क्योंकि ये एक तो ऐसी पिक्चर कभी नहीं करती जिसमें इनके लिए कुछ करने को नहीं हो, ये वही पिक्चर करती हैं जिसमें कुछ रोल हो, हीरोइन का एक डिफाइंड रोल हो, एक किरदार हो। और आई थिंक इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही, इट्स एन इनक्रेडिबल ग्रोथ, बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है, क्योंकि इन्होंने फिर मुड़ के देखा ही नहीं। मैं विद्या से कह रही थी कि वो बॉबी इतनी हसमुख लड़की है और उसमें कुछ बहुत ही एक बचपना सा है, है ना? एब्सोल्युटली, वो बॉबी एक बच्ची है जो फिल्म के दौरान मेरे ख्याल से बड़ी हो जाती है। सो अगर आपको ये प्रोमो देख के लगा तो मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क। हर फिल्म का चलना बहुत बहुत ज़रूरी है, यही उम्मीद रहती है कि फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। और इस फिल्म में, जैसे मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी कहा कि सब ने बहुत बहुत मेहनत की है, ऐसे भी टाइम्स थे जब हम बहुत मुश्किलों से गुजरे, पर सबने साथ में प्यार से काम किया, डट के काम किया है। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑफ़ कोर्स समर शेख जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छी फिल्म बनाई है, उनके लिए ऑफ़ कोर्स, पर दिया और साहिल के लिए भी, क्योंकि इतने अच्छे लोगों के साथ बहुत कम काम करने को मिलता है। तो 320 लोगों के लिए, इनके लिए खास मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म बहुत बहुत चले। ऑफ कोर्स मेरे लिए यही कहना चाहूँगी कि लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अच्छा तो फैमिली प्लानिंग कब शुरू कर रही हैं, तो मैं कह रही हूँ कि एक चार्ट बना लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि कब मैं प्लान करने वाली हूँ, पहुँच जाइएगा कैमरा लेके।